को बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में मिली है। आईपीएस अमित कुमार अब आपको इंटेलिजेंस में नियुक्ति के साथ नजर आएंगे। राज्य शासन ने आदेश इसके लिए जारी कर दिए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस के रूप में नियुक्ति उनकी हुई है। इससे पहले आनंद छाबड़ा इंटेलिजेंस में नियुक्त थे, लेकिन अब उनकी जगह ले रहे हैं अमित कुमार। कई बड़े परिवर्तन भी आप देख पाएंगे। हो सकता है कि अपने स्तर पर जो कार्यशैली उनकी जमीनी स्तर पर देखने को मिले, कोई बदलाव भी। सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी तनु वर्मा के पास एक बार फिर से। तनु, अमित कुमार ये नाम है जो बहुत लंबे समय से चर्चाओं का विषय रहा है इंटेलिजेंस में नियुक्ति को लेकर खासतौर पर। तनु, जी बिल्कुल, देखिए एडीजी अमित कुमार अब छत्तीसगढ़ के नए खुफिया जो है वो चीफ होंगे। इसको लेकर देर रात गृह विभाग की ओर से जो है आदेश जारी किया गया था। अमित कुमार 1998 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं और वे पिछले महीने ही सेंट्रल डेपुटेशन से लौटे हैं। इससे पहले वे सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर भी रहे हैं और उन्हें कुछ महीने पहले ही सीबीआई के एंटी करप्शन में विंग की जो है जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ में अमित कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है दी गई है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में आनंद छाबड़ा की पोस्टिंग जो है यहाँ थी और आनंद छाबड़ा की पोस्टिंग को लेकर फिलहाल आदेश की कॉपी में कोई उल्लेख नहीं किया गया और इसको लेकर आदेश की कॉपी में लिखा है कि आगे उनके लिए एक अलग से आदेश जो है वो जारी किया जाएगा। और अब जो है अमित कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में दी गई है, ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़ा बदलाव जो है छत्तीसगढ़ में आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तनु ये जानकारी साझा करने के लिए। अब देखने वाली बात कि किस प्रकार का परिवर्तन सुरक्षा के लिहाज से छत्तीसगढ़ में आता है। अंबिकापुर का अब जिक्र कर लेते हैं, जहां बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बीच सड़क पर लड़कियों का ड्रामा देखने को मिला।